अज आप दोस्तों गल करा एस एन वन और एस एन टू रिएक्शनस और उन्हें मैकेनिज्म के बारे में। तो एस एन वन एस का मतलब होंगे सबसीट्यूशन, एन का मतलब होंगे न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब होंगे फर्स्ट ऑर्डर और टू का मतलब होंगे सैकेंड ऑर्डर, यानी कि सबसीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन और सबसीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सैकेंड ऑर्डर टाइप रिएक्शन। तो इन एक स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिसप्लेस करके सबसीट्यूट करके वो जगह पर लगता है। स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो डिसप्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल इन रिएक्शन के, और इस करके इन्हों का नाम सबसीट्यूशन रिएक्शन जोड़ा ने पाया है। जिमें एग्जाम्पल देख रहे जी कि साढ़े को एक न्यूक्लियोफाइल है और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर एक्स है, जब इन आपस रिएक्शन होंगी है तो जोड़ा एक्स है एक्स नैगेटिव है वह लत जाता है और जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल है वह जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता है आर एन यू जिहड़ा सामने थोड़े दिखाई दे रहा है। सो ये एक फस्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि एक ही स्टैप के रिएक्शन जी पूरी हो गई है। नीचे मैं यह उदाहरण दिता है जी, मिथाइल क्लोराइड जदों रिएक्ट करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नाल तां मिथेनॉल एज अ रिजल्ट बनेगा। ये ओ एच जिहड़ा है वो क्लोरीन की जगह पर सबसटीट्यूट हो जाता है, क्लोरीन लग जाती है और जगह पर ओ एच जिहड़ा जुड़ जाता है। सो इस तो पहला कि आप डिटेल्स में आइए, आपको सबसटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर से सैकेंड ऑर्डर थोड़े डिफरेंस पता होने चाहिए, फिर उन्होंने डिफरेंस में आप समझ सकते हैं। एस एन वन रिएक्शन जी है यूनिमोलिक्यूलर है, एस एन टू बायोमोलिक्यूलर है, एस एन वन फर्स्ट ऑर्डर है कानेटिक मैकेनिज्म फॉलो करती है, जो कि एस एन टू रिएक्शन जी सैकेंड ऑर्डर कानेटिक रिएक्शन जी उन्होंने फॉलो करती है। एस एन वन के रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा पूरी तरीके सबस्ट्रेट पर डिपेंडेंट होंगे है, और एस एन टू के जोड़ा रेट हों रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट तो इलावा न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन जी भी डिपेंडेंट हों। इस तरीके जे आप रिएक्शन वेखीए एस एन वन तो एस एन वन रिएक्शन जी है वो दो स्टैप्स के पूरी होएगी, जदों के एस एन टू रिएक्शन एक ही स्टैप के पूरी हो जाती है। एस एन वन रिएक्शन के कार्बोकटाइन फॉर्म होएगी, कार्बोकटाइन बनेगी और फिर रिएक्शन अगे प्रोसीड करेगी, जदों के एस एन टू के एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिद जोड़े आर एम मॉलीक्यूल है और जोड़ा लिविंग ग्रुप है दोनों ही जुड़े होंगे और अनस्टेबल फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एस एन वन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेट जोड़ा वा इनवॉल्व हो जे तो रेसमाइजेशन हो जाएगी, जदों के एस एन टू के ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेट जेकर इनवॉल्व होंगे तो इनवर्शन ऑफ कंपाउंड जोड़ा है इनवर्शन जी होनी होनी होंगी है। सो ये कुछ डिफरेंस ही हूँ इन्होंने डिफरेंसिस आप अगली स्लाइड के समझते हैं। एस एन वन रिएक्शन जिस तरह आप दसिया कि दो स्टैप्स के पूरी होंगी है। सो मेरे को एक सबस्ट्रेट है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये ब्रोमीन मॉलीक्यूल जोड़ा है ब्रोमाइड मॉलीक्यूल जोड़ा है बी आर नैगेटिव लग जाता है और एक कार्बोकटाइन फॉर्म होंगी है, कार्बोकटाइन थोड़े सामने है और ये स्टैप बहुत ही हौली होंगे है। टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन ये बनती है एंड दिस स्टैप इज़ वेरी स्लो और इसनों आप रेट लिमिटिंग स्टैप कहने क्योंकि सारी रिएक्शन जी है उसकी स्पीड जी है वो इस स्टैप पर डिपेंड करेगी। सैकेंड स्टैप जोड़ा है बहुत फास्ट हो जाएगा और उस स्टैप के सिंपली साढ़े को सिर्फ जी है न्यूक्लियोफाइल जोड़ा अटैक करेगा उस कार्बोकटाइन पर और रिएक्शन जी हो जाएगी। सो एच नैगेटिव अटैक करेगा और रिएक्शन जी कंप्लीट हो जाएगी। एस एन टू रिएक्शन की आप गल करिए एस एन टू रिएक्शन जी हैगी है उहदे विच इनकमिंग जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल है वो बैकसाइड तो अटैक करता है, यानी कि जिधर लिविंग ग्रुप है तुहाडा सी एल ग्रुप है उस तो उल्ट साइड के उत्ते अटैक करेगा। सो मिथाइल क्लोराइड के बैकसाइड तो जिहड़ा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और इहदे नाल एक ऐसी स्टेज बनेगी जिस स्टेज के ओ एच नैगेटिव जिहड़ा है वो अटैक कर रहा होएगा और सी एल नैगेटिव जिहड़ा वो लीव कर रहा होएगा और इस स्टेट नूं असीं ट्रांजिशन स्टेट कहिंदे आ। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिदे विच दोनों ही जिहड़ा लिविंग ग्रुप है और जिहड़ा ग्रुप आ रहा है यानी कि ओ एच ग्रुप और जिहड़ा सी एल ग्रुप है दोनों निकल रहे निकल रहा ग्रुप जिहड़ा आ रहा ग्रुप है दोनों ही लगे होंगे है और इस स्टेट नूं आपां ट्रांजिशन स्टेट कहिंदे आ। हाईली अनस्टेबल स्टेट होंदी है और बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो जाती है। ये फिर सी एल नैगेटिव जिहड़ा है वो एक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप बन जाता है और जो मिथेनॉल जिहड़ी है वो एज अ प्रोडक्ट बनती है और वो ओ एच ग्रुप जिहड़ा ठीक जिहड़ा लीव कर रहा ग्रुप तो उल्ट साइड पर लगता है। इस करके ये इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहा जाता है कि कॉन्फिगरेशन जी स्ट्रक्चर जोड़ा है वो उल्ट हो जाता है उल्टाया स्ट्रक्चर हो जाता है इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जी है वो फॉर्म हो जाती है। ये सो ये इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जी है वो
होनी होंगी हैगी है, जो कि रिएक्शन जी एक ही स्टैप के पूरी हो जाती है। इस करके रिएक्शन जी दोनों की कंसनट्रेशन से डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और दूजे पर भी। जे आप एस एन वन देखिए तो अपने कैप्चे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट जोड़ा वा वो हो रेसमाइजेशन करेगा। सो रेसमिक मिक्सचर हों की है, रेसमिक मिक्सचर हों जो बराबर की मात्रा के डेक्सोरेटरी तो लिवरटेटरी कंपाउंड जोड़ा है उन्होंने मिक्स किया जाए तो जो कंपाउंड पैदा होंगे साढ़े को 50% डी टाइप और 50% एल टाइप ऑफ कंपाउंड मिक्स करके उसमें आप रेसमिक मिक्सचर का नाम दें। जिमें एक उदाहरण है, उदाहरण के एक जोड़ा कारल कंपाउंड लिया गया है और इस कारल कंपाउंड दे विच जदों वाटर ऐड किया गया वाटर जोड़ा है वो इस मॉलिक्यूल दे नाल जोड़ा है वो जोड़ा कार्बोकटाइन जो बनेगी वैन आयोडीन लीव करेगी तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना है वो ऐड मॉलिक्यूल दोनों पास में ऐड हो सकता है। कैन ऐड फ्रॉम ए साइड ऑलसो एंड बी साइड ऑलसो एज शोन इन द फिगर जिमें दिखाया गया है। सो डायग्राम के दिखाया जा रहा है कि ए टाइप और बी टाइप दोनों साइड तो ही वो रिएक्शन कर सकता है लेकिन जोड़े प्रोडक्ट बनने वो ए टाइप के होर किस्म के बनने और जेकर बी टाइप नाल अटैक करता है बी साइड तो अटैक करता है तो फिर प्रोडक्ट जोड़ा होर किस्म का बनेगा। यानी कि ए टाइप अटैक करते आर टाइप और बी विच अटैक करते एस टाइप के कंपाउंड जो बनते हैं यानी कि आर और एस कॉन्फिगरेशन लैके जोड़े कंपाउंड बनते हैं। सो ये एक साढ़े को रेसमिक मिक्सचर बनने के चांस जोड़े ने ज़्यादा ने क्योंकि कंपाउंड जोड़ा जिंद तो स्टार्टिंग मटीरियल साढ़े को ऑप्टिकली एक्टिव सगा। सो ऑप्टिकली एक्टिव होने करके आर और एस के जोड़े वो साढ़े को बनने और ए आर एस बन जो मिक्सचर बनया इसमें आप रेसमिक मिक्सचर कह दें और एक ही मोलर मिक्सचर बनेगा साढ़े को डी और एल कंपाउंड का। जेकर आप एस एन टू की गल करिए एस एन टू के इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जी हो जाती है। सो उसमें जेकर आप समझिए कि एस एन टू के कॉन्फिगरेशन इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों होंगी और किमें होंगी है। सो ये ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशन चेंज होनी जिमें आर है जेकर कंपाउंड पहला तो एस बन जाएगा जे एस है तो वह रिएक्शन तो बाद आर बन जाएगा। जिमें आर टाइप का टू ब्रोमो ब्यूटेन कंपाउंड लिया गया है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जेकर यदि रिएक्शन होंगी है एस एन टू टाइप जिद मान लो देख ही रहे ओ एच नैगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर रहा जदों के बी आर नैगेटिव जोड़ा वो लीव कर रहा है। सो ये अटैकिंग और लीविंग ग्रुप दोनों एको टाइम पर रिएक्शन हो रही है तो इस एस एन टू टाइप है। सो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिस ओ एच नैगेटिव जोड़ा जुड़ रहा होगा और बी आर नैगेटिव जोड़ा लीव कर रहा होगा। फाइनली जो बी आर नैगेटिव लीव कर जाएगा और ओ एच नैगेटिव ये जुड़ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के साढ़े को जो प्रोडक्ट है इट विल बी इनवर्टिड इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन शो करेगा और जेकर स्टार्टिंग मटीरियल आर सी साढ़े को प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एस टाइप। यानी कि ये कॉन्फिगरेशन जी उलट हो जाएगी आर जोड़ा कंपाउंड है वह एस बन जाता है ये और जेकर स्टार्टिंग मटीरियल एस हों इसने आर बन जाना सी। सो एस एन टू रिएक्शन के इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होंगी है ट्रांजिशन स्टेट बनती है इको स्टैप के रिएक्शन जी पूरी हो जाती है देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी कार्बोकटाइन और ट्रांजिशन स्टेट जी हाईली अनस्टेबल स्टेज है जी बाद प्रोडक्ट बन जाती है। सो उम्मीद है मैनू कि थानू एस एन वन और एस एन टू के डिफरेंसिस जोड़े वो समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।